हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर जिलाधिकारी सभागार में कन्नौज प्रभारी प्रदेश के मंत्री ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार में कानून व्यवस्था में अधिक सुधार हुआ है। अपराधियों को सरकार ने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे जनता में हमारा विश्वास बढ़ा है। किसानों के ऋण लाभ और भू माफियाओं खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो भी पार्टी में खामियां थी उसके ऊपर हमारी पूरा संगठन बैठ करके विचार करेगा और हमारे पूरे संगठन की जिम्मेदारी बनती है, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी नहीं जाती है। और जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। और सारी चीज़ों पर हमारी सरकार ने जिस तरह की कल के भी चुनाव के परिणाम आपने देखे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं, तो सारी गलतियों पर कार्य करके भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है कि जो भी कमियां हैं उनको समझ करके और उसको पूरे संगठन में करके इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कन्नौज में सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर प्रदेश मंत्री ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। खनन माफियाओं पर सरकार ने बिना किसी दबाव के माफियाओं पर कार्रवाई की है। विद्युतीकरण का कार्य करते हुए 10,000 लाभार्थियों को कनेक्शन दिया गया है। सामान्य योजना में निजी नलकूप हेतु 68,000 की छूट। सरकार 18 से 24 घंटे बिजली समान रूप से पूरे प्रदेश में दे रही है। वीआईपी सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। गरीबों को निःशुल्क बिजली देने की कार्रवाई की जा रही है। किसानों का ऋण माफ कर दिया गया, इत्यादि सरकार के गुण गाए गए। मंत्री जी अपनी सरकार के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन जनता को सच्चाई पता है और अच्छा कार्य होगा तो जनता सर पर बिठाएगी, वरना चुनाव फिर से आएगा। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।